पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाए, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए। पिता पुत्र नारी पुरुष पति पत्नी गुरु शिष्य भाई बहन, ये अगर सब ज्वाइंट रहते हैं एक साथ में तो जैसा भी पाप पुण्य दोनों करते हैं तो आधा आधा बट जाते हैं। क्योंकि पुत्र पाप कर रहा तो पिता का धर्म है उसको रोकना, रोक्यो क्यों नहीं, और रोका नहीं तो बाप बने क्यों, अब बाप हो तो पाप हुआ क्यों, अब बाप होते ही पाप हो रहा है तो बाप का अर्थ क्या है, इसको रोका क्यों नहीं, पाप करने क्यों दिया, और पाप करने दिया बाप बैठा रहा देखता रहा तो इस बाप को भी आधा पाप भोगना पड़ेगा। अब बेटा बाप गलत काम कर रहा है और तुम जवान बेटे हो, बाप को रोकते क्यों नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं करते, इस बाप के पाप में भी तुमको आधा भोगना पड़ जाएगा। पत्नी पाप कर रही है, पति टुकड़ टुकड़ देख रहा है, उसको रोक नहीं रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आधा पाप पति को भोगना पड़े। आखिर पति बने क्यों, पति का अर्थ क्या होता, पति माने स्वामी होता, पति का कुछ पता ही नहीं, काहे पति तुम, पत्नी का पतन होगा, पति पता नहीं, पता क्यों नहीं करते तुम, इतना अंधे क्यों बने हो, उसको पकड़ो कंट्रोल करो, नहीं तो आधा पाप तुम्हारे मत्थे आएगा। शिष्य अगर पाप करे और गुरु उसको कंट्रोल ना कर पाए तो गुरु के माथे आधा पाप आ जाएगा। भई आप गुरु हैं, कंट्रोल क्यों नहीं किया, इसको ज्ञान नहीं दो, किए दे इसको ज्ञान दो, कंट्रोल करो, समझाओ, अनुशासन में रखो, ये बांगड़ू चेला क्यों हुआ, इसको निकालो आश्रम से बाहर, भगा दो यहां से, यहां मत रखो बदतमीज आदमी को, नहीं तो पाप में गुरु भी पड़ जाएगा। गलत व्यक्ति को गुरु कोई पाप कर रहा है उसके साथ चेला जुटे हुए हैं, हुल्लड़बाज आलू बंडा खाने वाले कि पकौड़ा खाए के मिलत है चाहे जो कुछ कुकरम हो या, तो उस गुरु के पाप में भी आधा पाप शिष्यों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि इतने संड मुसंडे चेला तुम हो धाकड़ सब, तो रोकते क्यों नहीं गुरु को, सभी लोग गुरु को कंट्रोल करो, और सब हाथ जोड़ खड़े हो गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत काम है, आश्रम में सुधार होना चाहिए, रोकते क्यों नहीं, वहम खुद्र बुद्र तुम भी शामिल हो तो आधा पाप तुमको भोगना पड़ेगा, कंट्रोल करना चाहिए। बोलो बेटा बस। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाए, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए, अस विचार शिष्य करूं न तो ही बाट न रोक जान दे मोही, अस विचार शिष्य करूं न तो ही बाट न रोक जान दे मोही, गौतम ऋषि अस सोचन लागे पाँव बढ़ाई बढ़न तब लागे, बदगरों की मारग में लीना हे गुरुवर हम तुम कब चीन्हा, दीक्षा हम का दिए न जोई आगे जान देब नहीं कोई, जब तक गुरु मंत्र नहीं दोगे तुमको हम जाने नहीं देंगे। और गुरु कह रहा है हम शिष्य नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पाप सब हमको लग जाएगा, तुमने जिंदगी भर चिड़िया मारी पशु मारे सब खतरनाक काम किया है, अब हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते, हमको जाने दो मेरे रास्ता मत रोको, मुझे देर हो रही रात हो जाएगी। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, यह है खल नहीं दे है जाना, बोला बदिक जान नहीं दे हूं, जब लगी गुरु न तुम्हें करी ले हूं, बहेलिया बोला जब तक तुमको गुरु नहीं बना लूंगा तब तक तुमको जाने नहीं दूंगा, आल्हा चाहे जितना सुनाओ ज्ञानवान हम सुनेंगे नहीं, हमको शिष्य बनाओ हमको तारो, हम बहुत पापी हैं कोई मेरा कल्याण नहीं कर सकता, मेरे कौन पुण्य उदय हुए जो तुम इस रास्ते से निकल पड़े, तुम्हारा दर्शन हो गया, अब चरण छोड़ूंगा नहीं, आपके शिष्य बनूंगा, आज से पाप करूंगा नहीं, दृढ़ संकल्प लूंगा, प्रण लूंगा, प्रतिज्ञा लूंगा, आपके चरणों की आज्ञा मानूंगा और मेरे को शिष्य बनाओ गुरु बनो मेरे, तभी छोड़ूंगा तभी जाने दूंगा अन्यथा जाने नहीं दूंगा। अब गुरु असमंजस में पड़ गया, कहां लफड़ा फंस गया, आराम से जा रहे थे ये बीच में बवाल फालतू आ गया, ऐसे कुछ जबरदस्त चेला भी मिल जाते हैं।
अस विचारिष शिकरौ न तोही बाट नरों को जान दे मोही। बोला बधिक जान नहीं दे हूँ, और जब लगी गुरु ना तुम्हें करी ले हूँ। बधिक बोला हम तुमको जाने नहीं देंगे गुरुजी, जब तक तुमको गुरु नहीं बना लेंगे, इसलिए जल्दी कंठी माला निकालो, फालतू टाइम क्यों पास कर रहे हो। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, या है खल नहीं दे है जाना। मुनि जी हृदय में विचार करते, ये दुष्ट आदमी है, ये जाने तो देगा नहीं, अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। सहसने चहे निज भल भाई, अपरिपूर पथ देहु बताई। कहरे से गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शेष करूं मैं तो ही। गुरु होशियार था, बोला गुरु दक्षिणा दीजिए तब तुमको हम शिष्य बना देंगे, फिर अब क्या करें। गुरु समझ गया इसमें बना देना ही ठीक है, नहीं तो अभी तक जो चिड़िया मारा है और जानवर मारा है, और क्या क्रोध भाई जी, तो कही एक गुरु की योग मार डरो छुट्टी मिले, जब पाप में परख है तो एक और मारो। इसलिए गुरु लोगन के यहाँ भी थोड़ा गम खाए लेक चाहिए, भेष वोष दई दो ने निपटार दी तुमका। हमारे पास बहुत मॉडल के चेला है, एक चेला हुआ जहर लेके आवा सेल्फा से गोली, हमसे बोला चेला बनाओ, हमने कहा नहीं बनाएंगे, अभी परीक्षा चलेगी तुम्हारी साल भर। तो बड़ी हंदा तुंदी हुई, ऐंचा खींची समझौता। आखिरी दो तीन घंटा बाद वो सेल्फा से गोली की डिबिया निकाली, से कहला पाँचों गोली खाई ली, ये लाश मिली और तुम जई हो जेल, गुरुवाई सब निकल जी ने बना दो। तो हम भी डर गए, हमने कही ये तो लफड़ा लंबा फंस गया यार, कहाँ गुरु चला, झंझट जबरदस्ती चला बनते। आखिर इस तरह के लोग चल थोड़े पाते, सही मार्ग में चल नहीं पाते, बन ली सू नहीं बने तो अपने आप कपड़ा पहन ली, पहर के बैठ धूर धानी बन गए धोनी बाबा। आखिर चल नहीं पाया, बिगड़ गया, फिर वो जबरदस्ती गुरु से नहीं करना चाहिए। कहे ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शेष करो मैं तो ही। बोला का दी जैसो कहू, मम ढिग हो ले जो चाहू। वो बधिक बोला गुरु दक्षिणा जो आप मांग रहे हो, आप बोलो क्या दे दूं, जो बोलो वो दे दूंगा, जो मेरे पास हो और तुम बोल दो वो मैं दे दूं, बोलो जल्दी बोलो, मेरे को पक्का होना ही चेला है। अब जन पाप की हो कछु भाई, राम नाम सो सुमिरहु जाई। परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्यादि पाप हर जंगी। असे कही ऋषि चली भेजी उपाय, बधिक नाम में प्रीति लगाई। जब गुरु ने देखा उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली वो चिड़िया फंसाने वाला जाल है और जानवरों को मारने वाला धनुष बाण है, जहर बुझाए तीर, तो गुरु ने कहा चलो ठीक है, अब तुम दक्षिणा तो और कुछ नहीं, लेकिन पाप कर्म नहीं करूंगा ये संकल्प ले लीजिए, अब किसी पशु पक्षी को मारूंगा नहीं, और मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूँ, और ऐसा मंत्र देता हूँ राम नाम का जप करो, गुरु का ध्यान करो, और ऐसा ये मंत्र है परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्यादि पाप हर जंगी, ऐसा मंत्र बड़स बड़ा पाप अगर तुमने किया है उसको भी हर लेगा और तुम तर जाओगे। बस इतना कह करके ऋषि वहां से चल देते हैं। बधिक भक्ति में मन लगा लेता है, गुरु का ध्यान करता है, मंत्र का जप करता है,
तेहि भातिन कछु काल बितावा, मरण काल का दिन जब आवा। इस प्रकार से वो जप कर रहा है और तप कर रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाइयों और बहनों सभी को मैं शुभकामना करता हूँ। ताहि लेन यम दूत सिधाए, पाछे ते हरि गण चलियाए। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा लेने के लिए कि इसने बहुत पाप किया है, ये बधिक है, मारीच है, नीच है, बहेलिया है, इसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ, पीट पाट के लाओ, इसको नरक में डालूंगा। अब इधर से भगवान ने, क्योंकि भक्ति भी कर लिया उसने लास्ट में, इतनी भक्ति कर लिया, तो उन्होंने अपने हरिदूतों को भेजा कि तुम लाओ जा करके उसको हरिधाम ले आइए। अब दोनों दूत, यमदूत और हरिदूत इकट्ठे हुए उसी के घर पे। ताहिले नयम दूत सिधाए, पाछे थे हरि गण चलियाए। शीस मुकुट मणि कुंडल काना, पीत बसन तन भूषण नाना। भुज विशाल अनुपम कर लाजे, हरिदर चक्र कौमुदी राजे। गणन देख यम दूत डराने, बोले बचन कपट छल साने। जब हरिगणों को देखा यमदूतों ने, तो यमदूत डर गए और कपट भरे बचन छल पूर्वक बोले, क्या बोले? बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहां यही तीर सिधाए। यमदूत बोले, बड़े भाग्य से हरिदूतों के दर्शन मिल गए, आज पता नहीं कैसे यहाँ निकट आप आ गए, आपका दर्शन हो गया। अब गए तो थे मारने उसको, लेकिन देखा हरिदूत खड़े हैं, तो सोचा आप तो नहीं मार सकते इसको, ये तो हरिदूत ले जाएंगे, यमदूत तो नहीं पाएंगे। सोचा आपस में मारपीट हो जाएगी, तो ये हरिदूत हमको पीटेंगे, इसलिए इनसे अब राम राम कर लो, कह दो दर्शन मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, निकल लो इसे। हर आदमी चालाक है, बड़ा खिलाड़ी। बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। कहा गणन दूतो सुनो, बधिक भक्त यही ग्राम। तेहि आने आयन यहाँ, लई जइबै हरि धाम। हरि के गण कहते हैं, इस गांव में एक हरि भक्त रहता है, वो बधिक है, मारीच उसका नाम है, उसको हम लेने आए हुए हैं, उसको हरि धाम ले जाएंगे। सुनत वचन किंकर यम केरे, बोले निज निज नयन तरे। तो जो यमदूत थे, यमराज के सेवक, किंकर माने सेवक होता है, तो यमराज की सेवा करने वाले यमदूत, वो जब ये बात सुने कि हरिदूत कह रहे हैं उस पापी को हम अपने यहां ले जाएंगे, तो उन्होंने आंखें तरेर कर कहा, थोड़ा गुर्रा ही आंखें कि धमका ही दो इनका, ये कैसे ले जाएंगे। तो ऐसे गुर्र बोले निज निज नयन तरेरे, आंखें तरेर के बोले, ऐट के, कैसे तुम ले जाओगे। बधिक नीच पापी अन्यायी, जीव हत से नहीं जाई गनाई। बन के बन यही कीन सिनासा, तेहि तुम कहत राम करदासा। ये बधिक इतना अन्यायी है, इतने पाप किया है, पूरे जंगल के सब पशु पक्षियों को मार डाला है, इसको तुम हरि धाम ले जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है, इसको हम लेने आए हैं, यमराज ने भेजा है, हम ले जाएंगे। भिड़ गए दोनों दूत, हरिदूत और यमदूत। कहे गण जब ते गुरु यही कीन्हा, राम नाम में मन चित दीन्हा। केहि सिन तब से कछु अपराधु, यही समय और कौन है साधु। जब से इसने राम नाम सुना है, गुरु मंत्र सुना है, गुरु बनाया है, तब से कोई अपराध नहीं किया है, बहुत ध्यान किया है, मंत्र का जप किया है, इसलिए इससे बड़ा कोई साधु नहीं है, इसको हम ले जाएंगे, और ये बहुत महान आत्मा हो गया है। अस कही लीन विमान चढ़ाई, हरिपुर को चली भे हरसाई। और अपने विमान पर बिठा लिया, हरि धाम की ओर विमान पर बिठा कर लेकर चल दिए। यमदूत देखते रह गए कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हरिदूत की ताकत ज्यादा है।
चलि भे विमान चढ़ाई हरिपुर ताहि राख्यो जाई के अति देखि गुरु पर ताप यम के दूत गए खिसियाई के। यम के दूत खिसियाई गए शर्माई गए कि अब चलो खाली वापस चले क्या है, देखो हरिदूत यमदूत तुम भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ से भेज दिए गए कि लाओ इसको मार के। अस समुझि नर गुरु शरण हुई हरि भजन जिन नाही कियो तिन पाए नरतन आई जग करि हानि नर कही चल दियो। गुरु शरणागत आई के जो सुमिरै गुरु नाम यहाँ रहे आनंद में अंत बसे सुख धाम। ब्रह्मा विष्णु महेश ते जो अधिकी हुई जाय गुरु बिनु भवनि धिनाथ रे कहत निगम यश गाय। या में कछु संदेह न पेली आदि ही ते सब गुरु करी एली। सूत जी शौनक जी को समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर इन तीनों से भी बढ़कर कोई महान हो जाए फिर भी गुरु के बिना भव सागर से नहीं तर सकता है। गुरु की महिमा अद्भुत है, गुरु महान है, उनकी कृपा अपार है। ब्रह्म के शिष्य प्रकृति ही जानो प्रकृति शिष्य महतत्व पिछानो। महतत्व शेष प्रणो जो कहिए ओंकार ते विष्णु ही लहिए।